तो फाइनली गाइस देखिए आज हम बताने वाले हैं मोटर को रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, यही आपको इस वीडियो में मिलेगा देखने को। तो देखिए देखिए यहाँ पे डीजल लिए हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा सेटअप का सामान लिए हुए हैं हम लोग। और ये जो देखिए ये है जो है क्या है, ये मोटर मशीन है। और मोटर मशीन में देखिए ये जो है ये धूरा कहते हैं इसको, धूरा ये मतलब घूमता है। और यहाँ देखिए घुमाने से जो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रेशर द्वारा मिलता है, इसी प्रकार से मतलब ये पानी जो होता है ऊपर इसको फेंकता है। तो देखिए इसका उपयोग क्या मतलब किस चीज़ में किया जाता है मोटर को, आप लोगों को पता होगा, जैसे मछली वगैरह मारने के लिए किसी नाले में हम लगा देते हैं इसको, लगाने के बाद वहाँ से मतलब पानी को बाहर निकाल देते हैं, पानी निकल जाता है तो अपने आप ही दिखने लगती है, और दिखती है जैसे ही उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के लाकर फिर घर पे उसको पका कर लोग खा जाते हैं। तो देखिए ये जो है आपका ये डीजल है, ये जो आप देख रहे हैं डीजल में सब चीज़ को डाल रहे हैं, डालने से क्या हो जाए कि मतलब जितने भी मूर्छा इसमें होगा ये सब मतलब जंक या मूर्छा उसको कहते हैं वही छोड़ देगा ये, ठीक ना। तो ये देखिए ये क्या है, ये है देख लीजिए बहुत अच्छे से, ये सब नट है मतलब नट बोल्ट जिसको कहा जाता है, इसको डीजल में भी हम फिलहाल डाल रहे हैं। डालने के बाद ये देखिए पूरा ये सेटअप का सामान है जो भी हम आज मोटर बनाने वाले हैं, वही सब देखिए पेचकस पिलास मतलब हर एक प्रकार का इसमें सुविधा है, रिंच द्वारा मतलब हर एक प्रकार का है, क्योंकि इसका जब फिट करेंगे तो देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद वहाँ पर हम क्लीन करेंगे उसको, उस जगह को कि ये जो धूरा है वो थोड़ा अच्छे से घूमे। बेयरिंग जो है मान लीजिए कि देखिए धूरा क्या मतलब बेयरिंग उसमें फिट रहता है, तो देखिए उसको हम साफ करें कैसे कर रहे हैं आप देख लीजिए यहाँ पे, इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना होगा। सबसे पहला प्रोसेस यही है, तो देखिए हम थोड़ा कर रहे हैं, तो चलिए करना होगा फर्स्ट प्रोसेस आप लोगों को। अब देखिए करने के बाद थोड़ा इसको पोछ दीजिएगा, मतलब अच्छे से वहाँ पे बैठा दीजिएगा मोटर को, मतलब कभी कभार मोटर कभी क्या होता है कि फेंक देता है, जिसके कारण हमारे मोटर में खराबी आ जाती है, बेयरिंग जो होता है वो फेंक देता है, ठीक ना। और ये देखिए ग्रीस, इसको हम क्या कहते हैं ग्रीस, तो ग्रीस हम लगाएंगे वहाँ पे, देखिए लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं, इसको भी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ना, दम 1080 पे रखे हैं, 1444 पर नहीं किए हैं, देखिए ये दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से। देखेंगे कि वहाँ पे एक जो होता है बेयरिंग का ये ढप्पा ढप्पा मतलब ढक्कन बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसको दिखाइए थोड़ा ढक्कन को बेयरिंग वाला, हाँ दिखाई दे रहा है ना घूम रहे हैं वो भी साथ में, तो उसको हम वहाँ पे चिपका देंगे या उस प्रकार भी छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं बंद कर देते हैं इस क्या कहते हैं ग्रीस को, अब ग्रीस को बंद किए और वो ढप्पा हम चिपकाएंगे। क्योंकि जब हम कर दिए तो थोड़ा घुमा कर देखना भी जरूरी है। और देखिए यहाँ भी एक बेयरिंग है और यहाँ भी हम लोग लगाएंगे, देखिए क्या लगा रहे हैं, देखिए यहाँ सब लोग देखिए बहुत अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे डीजल से इसको साफ करेंगे, डीजल से देखिए साफ कर रहे हैं।
कितना अच्छा चल रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे कि थोड़ा सुना लेंगे, सुना से देखेंगे कि सुना से इससे देखिए। वही इसका भी ठप्पा होता है ढक्कन, उसको भी क्या करेंगे सिंपली से उसको भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें अंदर क्या करना है वो लगाना है। देखिए किस प्रकार से खुलता है, मतलब हर एक बेयरिंग में खुलने का ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब जहाँ से मर्जी वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए निकल गया, बहुत अच्छे से निकल गया है। तो निकलने के बाद ये देखिए बेयरिंग जो बहुत फास्ट चल रहा है, इसको भी क्लीन करेंगे। क्या पता आगे जाकर क्या हो जाए, मतलब दिक्कत किस प्रकार के ना आए, इसीलिए इसको भी थोड़ा क्लीन करते हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं फास्ट। बैरिंग पर लगा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लगाएंगे, हम घुमा घुमा कर लगाएंगे, बहुत अच्छे से लगाएंगे उसको। देखिए इसका ढप्पा जो होता है ढक्कन लगाएंगे, बहुत अच्छे आसानी तरीक़ों से लगाने वाले हैं। देखिए लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से लगाएंगे इसको। देखिए जैसे ही लगाए तो ये भी मोटर बन के पूरा रेडी होगी, एकदम तैयार होगी। देख रहे हैं घूम रहे कितना अच्छा लग रहा है। बार्निश किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा वायर को लगाए हैं। अब देखिए एकदम कुएं की तरह लग रहा है, और देखिए ये सब वायर है, सब वायर है, सब वायर। चलिए इसको ऊपर ऊपर करते हैं, नहीं तो कैमरा कर। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको चार कॉर्नर दिखेंगे, 1, 2, 3 और 4। इस चार कॉर्नर को देखिए, इसमें यहाँ पे आपको चार कॉर्नर दिखा रहे हैं, बहुत मतलब फग्गा फग्गा। ये जो दिख रहा है दूसरा में ये दिख रहा है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इस चार कंटिगो मतलब छड़ है, इसको इसी में हमें क्या करना है, इन करना है। तो इसी में हम करेंगे अभी फिलहाल। देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए ये जो आपको चार कॉर्नर दिखा है, आपको खाली खाली स्थान वाला, देखिए ये सबसे अलग है, सबसे हट कर है ये। तो इसी में हमको सब इन करना है, याना है। देखिए अभी हम फिलहाल कर रहे हैं, देखिए टांग ड्रूप उस प्रकार से करेंगे। अच्छे से आ रहा है देखिए। हाँ ये देखिए अब जाकर लग गया, थोड़ा इधर का प्रोसेस सब लोग दिखा रहे हैं। देखिए बैरिंग है, बैरिंग सेम टू सेम, और ये देखिए क्वाइल, क्वाइल भी सेम टू सेम। अब ये इसको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से, देखिए ठंडा करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कुछ नहीं करना है, अब देखिए कितना तो अच्छे से मार मार कर बैठा देना है।
ठीक ना। अब देखिए क्या करना होगा, अभी इसके ऊपर का एक देखिए ये ढक्कन है, फिलहाल अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी लगाएंगे तो हम पहले से क्लीन किए हुए हैं, तो थोड़ा इसका भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम क्लीन करते हैं। देखिए हाँ, अब क्लीन जैसे ही किए इसमें लगाएंगे वो जो जार था ना, वो क्या कहते हैं छड़, छड़ को इसी में इन करके एक ऊपर से बोल्ट आता है नट बोल्ट, उसको कसते हैं। एक बार वो क्या कहते हैं बैलिंग मार देते हैं, तो बैलिंग मारेंगे तो फिर कोई काम। देखिए वो भी घूमता है, घुमाकर दिखा रहे हैं आप लोगों को, कैसे दिखाए देखिए, यहाँ से देखिए घूम रहा है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग का अच्छे से ना, चलिए अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देने के बाद क्या क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ये क्या है पता है, पैर है जिस पर हम खाड़ करते हैं इसको, तो इसको भी कसना बहुत जरूरी, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा आप लोगों का बहुत अच्छे तरीकों से। तो देखिए यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे एक फिंगर द्वारा हो रहा है, और देखिए कैसे क्लीन करना है। अब चाहे तो पानी वगैरह से या आपको मतलब पेट्रोल अच्छा पड़ेगा क्लीन करने के लिए, पेट्रोल जो होता है मतलब वो क्या होता है कि एक देखिए कम्प्लीटली फाइन तरीके से ये हो गया है क्लीन, और हाथ को हाँ। अब क्लीन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे इसको क्लीनली है। अब लगाने के बाद देखिए दिख रहा है ये साइड में इसी पर कर हम लगा दें, देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए बार मतलब कभी आ सकता है ना, ये बार आ सकता है, इसीलिए हम लगा कर वैसा कर दिए कि वो बाहर नहीं आए कभी भी, उसको बाहर लाए तो खुद हम लाए अपने तरीकों से। देखिए इसके ऊपर भी एक ढक्कन टाइप का होता है, ढपना होता है, देखिए किस प्रकार से होता है ये देखिए आप लोग देखे होंगे। और देखिए यहाँ से जब ढक्कन लगा रहे हैं तो देखिए ये मोटर का प्रोसेस आपको बहुत